सिंघम। सिंघम फिल्म रोहित शेट्टी की सबसे सक्सेस फिल्मों में से एक है, पर अभी तक इस फिल्म के दो पार्ट देखने को मिल चुके हैं और दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है। सिंघम रिटर्न के बाद लोग इसके थर्ड पार्ट का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले फिल्म को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आई है कि रोहित शेट्टी बहुत ही जल्द सिंघम 3 पर काम शुरू करने वाले हैं और अब तक की इनकी यह सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म में हमें बॉलीवुड के कई बड़े बड़े स्टार देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म का हम सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और अब जाकर हम सभी का इंतजार खत्म होने वाला है। अब इतने लंबे समय का इंतजार हमें काफी बड़ी और दमदार फिल्म देने जा रहा है, क्योंकि रोहित शेट्टी ने कहा है कि अब की बार फिल्म की स्टोरी काफी यूनिक होने वाली है और फिल्म की स्टोरी किसी भी साउथ फिल्म का रीमेक नहीं होगी। अब की बार सिंघम 3 फिल्म की स्टोरी बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट होने वाला है और अब बहुत ही जल्द फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। वहीं बात करें कास्टिंग की तो फिल्म में लीड रोल में अजय देवगन ही देखने को मिलेंगे और सुनने को मिल रहा है कि इनके साथ फिर से हमें करीना कपूर ही देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि फिल्म में हमें चुलबुल पांडे यानी कि सलमान खान का कैमियो देखने को मिलने वाला है, यानी कि यह फिल्म दमदार ब्लॉकबस्टर होने वाली है। फिल्म में जब इतने बड़े स्टार होने वाले हैं तो ये फिल्म काफी बड़े लेवल की फिल्म है और सुनने को मिल रहा है कि रोहित शेट्टी फिल्म को बिल्कुल हॉलीवुड के लेवल का फिल्म बनाना चाहते हैं, जिसमें हमें काफी खतरनाक एक्शन देखने को मिलने वाला है। लेकिन अभी इस फिल्म के लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो फिल्म की स्टोरी राइटिंग पर काम चल रहा है। फिल्म की स्टोरी कम्प्लीट होने के बाद फिल्म की कास्ट फाइनल की जाएगी और फिर कहीं जाकर फिल्म की शूटिंग शुरू होगी, जिसमें काफी लंबा समय लगेगा। रोहित शेट्टी 2024 के मिड तक फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि सिंघम 3 फिल्म काफी बड़ी फिल्म है जिसमें इतने बड़े बड़े कलाकार हैं। फिल्म का VFX भी दमदार है, एक्शन भी दमदार है और सब कुछ दमदार ब्लॉकबस्टर हिट है, जिसमें शूटिंग में भी समय लगेगा। 2024 के मिड तक फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है तो ये फिल्म हमें 2025 के लास्ट में या फिर 2026 तक देखने को मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।